नरेंद्र मोदी सरकार को आम बजट 2021 के अर्णव गोस्वामी ने प्रशंसा की है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ गोस्वामी ने डिबेट शो पूछता है भारत में बजट को भविष्य का सुनहरा रोड मैप बताया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने देश के सुनहरे भविष्य का रोड मैप तैयार कर दिया है, देश के विकास को रफ्तार देने वाला बजट बनाया है। अर्णव ने कहा है कि कोरोना काल में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई, मगर मोदी सरकार ने उम्मीदों का बजट पेश किया है, इसे विकास का बजट कहा जा सकता है। गोस्वामी ने इसे कोरोना की मार पर उबरने वाला बजट करार दिया है। उन्होंने कई अर्थशास्त्रियों से बातचीत का हवाला देते हुए कहा है कि बजट में पीएम मोदी का विजन नजर आता है, इसलिए किसान और गरीबों के लिए बजट तैयार किया गया है। नए बजट से रोजगार के अवसरों में इजाफा होगा, बजट से एमएसएमई क्षेत्रों को राहत मिलेगी। रिपब्लिक एंकर ने केंद्र की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर कहा है कि ऐसा गरीबों की मुश्किलों को दूर करने के लिए किया गया है, इससे प्रवासी मजदूरों को लाभ मिलेगा, सरकार ने इनकी परेशानी खत्म कर दी। डिबेट शो में अर्णव ने गैस कनेक्शन योजना का जिक्र करते हुए कहा है कि सरकार 1 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन देगी। मोदी सरकार के बजट की तारीफ के बीच गोस्वामी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कांग्रेसी नेताओं को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा है कि ये बातें इनकी समझ में नहीं आएंगी। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर बजट पर सियासत करने का आरोप लगाया। एंकर ने कहा है कि बजट में किसानों के लिए काफ़ी कुछ किया गया है। उधर इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने भी बजट 2021 की पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने टीवी शो आज की बात में एक अर्थशास्त्री का जिक्र कर बताया कि 30 साल में पहली बार ऐसा बजट आया है जिसमें कुछ भी निगेटिव नहीं है, सब कुछ ठीक है और देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। उन्होंने आम बजट पर कहा है कि मोदी सरकार ने कमाल कर दिया है। टीवी एंकर रजत शर्मा ने शो में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी बातचीत की। उन्होंने राहुल गांधी पर एक ट्वीट का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री से पूछा कि मोदी सरकार लोगों को कैश देने के बजाय तमाम एसेट्स क्रोनी कैपिटलिस्ट को देने का प्लान बना रही है, जहां से पैसा आएगा। वित्त मंत्री ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 15 दिन में एक बार बहुत बोलते हैं, मगर हम तथ्यों को साथ इससे नकारते नहीं हैं। मालूम नहीं राहुल गांधी का सलाहकार कौन है, चूंकि वो एक ही राग अलापते हैं, जवाब मिलने के बाद भी वो ऐसा ही बोलते हैं। यानी मिला जुलाकर टीवी जगत के बड़े बड़े पत्रकारों ने मोदी सरकार के द्वारा पेश किए गए आम बजट 2021-22 की तारीफें की हैं। Newsroom से Nadeem Ahmed की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.